वैलेंटाइन सीजन में प्यार की कहानियां तब तक पूरी नहीं होती जब तक अक्षय और ट्विंकल की चर्चा ना हो। करीब 16 साल बीत चुके हैं इनकी शादी को, लेकिन प्यार बरकरार है। फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस कर चुके अक्षय को ट्विंकल का साथ मिला तो बॉलीवुड करियर ही नहीं लाइफ भी पटरी पर आ गई। अक्षय और ट्विंकल दोनों ही पंजाबी परिवार से रखते हैं ताल्लुक। अक्षय की परवरिश दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों से वो बैंकॉक पहुंचे और फिर बॉलीवुड आए। अक्षय मुंबई में कुंदन की ज्वेलरी बेचा करते थे। अक्षय मुंबई तक काफी स्ट्रगल के बाद पहुंचे तो वहीं सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल के लिए बॉलीवुड में पहले से ही रेड कारपेट बिछा था। पहली ही फिल्म बरसात से ट्विंकल को स्टारडम मिल गया। ट्विंकल की परवरिश बॉलीवुड के फिल्मी माहौल में हुई, लेकिन अक्षय ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल से वो मंजिल पाई कि आज वो बॉलीवुड में सुपरस्टार है। अक्षय ट्विंकल से उम्र में 7 साल बड़े हैं। अक्षय और ट्विंकल की यूं तो पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इन दोनों के बीच प्यार हुआ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट पर। ये वो दौर था जब अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में थे। एक तरफ अक्षय और ट्विंकल की नजदीकियां बढ़ रही थी तो वहीं शिल्पा शेट्टी को भी फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट पर पनप रहे इस प्यार की खबरें मिल रही थी। अक्षय के इस नए अफेयर की खबरें धड़ल्ले से मैगजीन्स में छप रही थी। एक तरफ अक्षय शिल्पा के साथ शादी का कमिटमेंट कर चुके थे तो दूसरी ओर वो ट्विंकल से इश्क लड़ा रहे थे। लिहाजा अक्षय का शिल्पा से ब्रेकअप हो गया और ट्विंकल से रिश्ता और गहरा हो गया। 17 जनवरी 2001 को शादी पंजाबी रीति रिवाज से अक्षय और ट्विंकल की शादी हुई। डिजाइनर अबू जानी के घर पर हुई थी ये शादी। बॉलीवुड से सिर्फ 50 मेहमानों को ही बुलाया गया था और इनमें से एक आमिर खान भी थे। फिल्म मेला की शूटिंग के दौरान ट्विंकल और आमिर में अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी नाते मिस्टर परफेक्टनिस्ट भी इस शादी में पहुंचे थे। लेकिन ट्विंकल और अक्षय की लव स्टोरी का शादी की मंजिल तक पहुंचा बहुत आसान भी नहीं रहा। कई लड़कियों का दिल तोड़ने वाले अक्षय जब ट्विंकल के नजदीक आए तो इस लव स्टोरी से ट्विंकल के मम्मी पापा नाखुश हो गए। अक्षय पर बॉलीवुड की कई लड़कियों के भावनाओं से खेलने का आरोप था। अक्षय की कैसानोवा इमेज उनके परिवार वालों को खटक रही थी, लेकिन ट्विंकल तो खिलाड़ी के प्यार में इस कदर थी कि उन्होंने घर वालों को मना ही लिया। ट्विंकल के पापा राजेश खन्ना इस शादी के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने ट्विंकल ये बात भी गांठ बांध लेने को कहा कि अगर वो एक बॉलीवुड हीरो से शादी कर रही हैं तो उन्हें काफी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। अक्षय के बारे में टपने वाली गॉसिप को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पापा की सलाह मानते हुए ट्विंकल ने मिसेज खिलाड़ी कुमार बनने का फैसला ले लिया। अक्षय से शादी के बाद ट्विंकल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। एक्टिंग छोड़कर वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने लगी। अक्षय और ट्विंकल साथ बहुत खुश है। दोनों के 2 बच्चे हो चुके हैं और जिंदगी अच्छी कट रही है।